तो चलिए अब पता लगाते हैं कि हमें कितना काम करना पड़ेगा जब हम एक बॉडी को डिफॉर्म करेंगे और हम उस बॉडी में प्रोवाइड करेंगे शियर स्ट्रेन। पिछला वीडियो में हमने यह पता लगाया था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोवाइड करते हुए हम कितना वर्क करेंगे, तो उसी सीरीज का यह है दूसरा वीडियो। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप शियर स्ट्रेन पे जो अवेलेबल वीडियो है हमारे चैनल में वो जरूर देख लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं शियर स्ट्रेन के साथ तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक क्यूबॉइड। तो ये रहा वो क्यूबॉइड जिस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियली, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी शियर्ड हो जाएगा। तो ये बॉडी हो गया शियर्ड। तो अब भी हम इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो हमने माना वो फोर्स है एफ। और ये बॉडी जो शियर्ड हो रहा है, ये कितना शियर्ड हो रहा है, ये बॉडी शियर्ड हो रहा है फाई। इसे हम कहते हैं शियर एंगल। ये होता है शियर एंगल, आप इसे शियरिंग एंगल भी कह सकते हैं या एंगल ऑफ शियर भी कह सकते हैं। तो चलिए हमें यह पता लगाना है कि इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। मैं यहां आपको एक चीज बता दूं कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉडी पे, वो कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं कि इसका जो डिफॉर्मेशन हो वो बहुत स्लोली हो। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें इंस्टेंटेनियसली बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई कर दे तो इसमें क्रिएट हो जाएगा ऑसिलेशन। हम किसी भी तरह से इस बॉडी में, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल में हो, ऑसिलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ वर्क कन्वर्ट होगा इस बॉडी में प्रोवाइड किए हुए काइनेटिक एनर्जी में, जबकि हम ये पता लगा रहे हैं वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ बॉडी। सो हम इस बॉडी को सिर्फ डिफॉर्म करेंगे, अर्थात इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे, पर उनके काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे। तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे स्लोली, जिससे डिफॉर्मेशन भी होगा स्लोली। अब देखें जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेन या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यह होता है शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन के। इस केस में जो शियरिंग स्ट्रेस होगा वो होगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए कौन सा एरिया यहां हम कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं उस प्लेन का एरिया जिस प्लेन पे ये फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा। तो ये हो गया वो एरिया जिसे हम मान रहे हैं, ये है ए। तो ये हो गया शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, होता है टेंजेंट ऑफ शियर एंगल। अर्थात इससे आगे हम कह सकते हैं कि फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉड्यूलस इनटू एरिया ऑफ द प्लेन जिस प्लेन पे ये फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा इनटू टेंजेंट ऑफ शियर एंगल। तो फिर देखिए ये फोर्स इस एक्सप्रेशन के बराबर है और इस एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, पर ये जो टेंजेंट ऑफ शियर एंगल है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर शियरिंग कम हुआ अर्थात ये कम शियर्ड हुआ बॉडी तो हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर शियरिंग ज्यादा हुआ तो हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो फिर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। सो ये फोर्स ये कांस्टेंट नहीं है, इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस में इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। इसे आगे देखें, मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो शियर एंगल होता है ये बहुत छोटा होता है, और हमें पता है कि जब कोई एंगल बहुत छोटा हो
अर्थात लिमिट फाई टेंड्स टू जीरो, ऐसे स्थिति में टेंजेंट ऑफ फाई ये बराबर होता है फाई के, जबकि इस फाई को मेजर किया जाता है रेडियन में। तो फिर इससे आगे देखें, हम कह सकते हैं कि शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये बराबर हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय शियर एंगल के। तो फिर देखें फोर्स के लिए एक्सप्रेशन, फोर्स ये बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस इनटू एरिया ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन में यह फोर्स टेंजेंशियली अप्लाइड हो रहा है, इनटू शियर एंगल। तो फिर जब यह फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम वर्क डन कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसिडर करेंगे। इस इंटरमीडिएट स्टेज में देखे हमने माना कि शियर एंगल जो है ये शियर एंगल है थीटा, और इस स्थिति में हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यह है स्मॉल लेटर एफ, और उस फोर्स के कारण इसमें एक छोटा सा शियरिंग हो रहा है, बहुत छोटा सा शियरिंग, उसे हमने माना कि यह है डी थीटा। तो फिर देखें अगर इसका जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट का ये अगर एल हुआ तो फिर यहां से यहां तक ये भी होगा एल। तो फिर देखें इस प्लेन का जो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर, देखें ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लेन का, इसे हम कह सकते हैं एल इंटू डी थीटा। सो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम मान सकते हैं डी डब्ल्यू। सो इस पूरे प्रोसेस में काम किया गया डी डब्ल्यू। तो फिर डी डब्ल्यू बराबर होगा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट के। सो चूंकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके डॉट प्रोडक्ट में उन दोनों के मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं ये होगा अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एल इंटू डी थीटा। तो फिर टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू के ही इंटीग्रेशन के। अर्थात ऐसे छोटे छोटे हम जितने डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे उनके लिए जो छोटा छोटा हमें काम करना पड़ेगा उन सारे छोटे छोटे वर्क डन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा टोटल वर्क डन। अर्थात ये बराबर हो गया एफ एल डी थीटा के। अब इसमें हमें लिमिट पुट करना है। तो देखें इस इंटीग्रल का लिमिट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमने इनिशियली कितना काम किया, हमने इनिशियली जो काम किया वो है जीरो, और फाइनली हम कितना काम कर रहे हैं, हम टोटल काम कर रहे हैं डब्ल्यू, ये हमने माना है, तो इसका अपर लिमिट होगा डब्ल्यू। वही देखें यहां सेकेंड इंटीग्रल में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में अर्थात शियर एंगल के रेस्पेक्ट में। तो देखें शुरू से लेके अंत तक कितना शियरिंग हो रहा है, शुरू में देखें शियरिंग एंगल है जीरो और अंत में देखें शियरिंग एंगल है फाई। तो फिर इससे आगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये एफ ये थीटा पे डिपेंडेंट है जबकि ये एल एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो हम एल को इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं और इंटीग्रल के अंदर एफ इंटू डी थीटा, लिमिट है जीरो टू फाइव। अब देखिए एफ इसे हम थीटा के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कि हम कह सकते हैं फोर्स इस केस में यह बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉड्यूलस इस सब्सटेंस का इनटू टॉप प्लेन का सरफेस एरिया इनटू शियर एंगल, जबकि इस केस में शियर एंगल है थीटा। सो फिर इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह हो गया एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इंटू सरफेस एरिया टॉप प्लेन का इंटू थीटा डी थीटा, लिमिट फिर से जीरो टू फाइव। अब देखें इससे आगे हम कहेंगे कि ये वर्क डन ये बराबर होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इंटू
surface area of the top plane into integration of theta d theta limit 0 to phi. Yahi expression ban jayega. Height of the object into modulus of rigidity into surface area of the top plane into theta d theta ka integration ye hoga theta squared divided by 2 limit 0 to phi. So ye expression ban jayega. Height of the object into modulus of rigidity into area into phi squared divided by 2. अब देखें हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द टॉप प्लेन इनटू शियर एंगल इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू शियर एंगल. यहां पर देखें ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगा. ये टर्म ये बराबर हो जाएगा. देखे ये हाइट है एल ऑब्जेक्ट का और शियर हो रहा है फाई. चूंकि ये फाई बहुत छोटा होता है तो फिर हम कह सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट टॉप प्लेन का ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है एल इंटू फाई. ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट इस टॉप सरफेस का. चलिए इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से. तो ये बन गया टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स. सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू ये टर्म देखें ये बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के. फाइनली हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो ये होगा फोर्स इनटू टोटल displacement of the plane. तो चलिए इसे आगे एक और टर्म पता कर लेते हैं. वो है work done per unit volume. So work done per unit volume. इसे चलिए रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर W से. तो ये होगा कितना. ये होगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो हम वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम को. तो फिर ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा. देखें ये वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का ये बराबर होगा. हम कह सकते हैं ये एरिया जो कि ए है इनटू ये हाइट एल. सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये बन जाएगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट एल. सो वर्क डन के लिए हम कह सकते हैं ये है हाफ इनटू यहां पर देखिए ये है फोर्स. सो अप्लाइड फोर्स इनटू एल इनटू शियर एंगल. इसे हमें डिवाइड करना है ए इनटू एल से. हम क्या करते हैं यहां ए को डिवाइड करते हैं और यहां एल को डिवाइड करते हैं. इससे आगे देखें यहां पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये खास एक्सप्रेशन होगा. ये देखें बराबर हो जाएगा हाफ इनटू ये देखें ये क्या है. ये है शियरिंग स्ट्रेस और ये है शियर स्ट्रेन. तो ये एक्सप्रेशन बन गया हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. तो हम कह सकते हैं कि जब हम शियर स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं तब टोटल वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन.